हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन वाइटनिंग एंड ग्लोइंग फेस पैक। इस फेस पैक को कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है, इसे कैसे लगाना है, ये सब कुछ डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को इन तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो लास्ट में लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं आप लोगों को मिलती रहूंगी। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पर मैं ले रही हूँ आयुर्वेदा का पपाया वेरा फेस पैक पाउडर, जो कि आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो करेगा एंड ब्लेमिश फ्री करेगा। और इसमें हमें ये 30 रुपीज़ का पैकेट है, छोटा वाला। इसमें दो पाउच मिल जाते हैं, इस तरीके से 2 साल की इसकी सेल्फ लाइन मिल जाती है। और इसका हमें पाउच में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है यूज़ करने के लिए। तो एक पाउच को हम इसमें कट कर लेंगे। और इसके लिए हमें सिर्फ चाहिए गुलाब जल और बाकी कुछ भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एलोवेरा है, सब कुछ इसमें ऐड है। तो बस इसका हम हाफ ले लेंगे, 2 टेबल स्पून जितना इसका जो पाउडर है। और उसमें हम गुलाब जल ऐड करेंगे। गुलाब जल भी हमें 1 टेबल स्पून जितना ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा करके, कि ज़्यादा पतला पेस्ट ना हो जाए हमारा, थोड़ा सा थिक रहे जिससे लगाने में आसानी हो। तो हमें इसको मिक्स कर लेना है और हमारा यहाँ पर पेस्ट रेडी हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करना है, एक भी इसमें गुलठिया वगैरह ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट सा पेस्ट बनना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे बना लेंगे और फिर अब हम इसे अप्लाई करेंगे तो हमारा पेस्ट बन। पहले ही फेस वॉश कर लिया था। अगर आपने अपने फेस को वॉश नहीं किया तो आप किसी क्लींजर वगैरह से वॉश कर क्लीन कर लीजिए और उसके बाद इस फेस पैक को अच्छे से पूरे फेस पर, नेक पे और अप्लाई कर लेना है। इस फेस पैक को आप अपने अंडर आर्म्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने बैक साइड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे ज़्यादा सुखाना नहीं है, 15 मिनट इसे अपने फेस पे लगे रहने देना है। और हल्का सा जब ये गीला ही रहे तभी हम इसे वॉश कर लेंगे। तो हल्का हल्का ही सूख गया है और बिल्कुल भी फेस पैक को ड्राई नहीं होने देना है। तो अब मैं इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँगी। आप चाहे तो स्पंज वगैरह से भी साफ़ कर सकते हैं किसी। तो मैंने यहाँ पर अपने फेस को वॉश कर लिया है और मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रहा है। और उसके बाद हमें यहाँ पे अप्लाई करना है टोनर। विंटर है क्योंकि हम बिल्कुल भी स्किन केयर करना नहीं भूल सकते, विंटर में हमारी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, टैनिंग वगैरह धूप में निकलने की वजह से, काम करने की वजह से पड़ जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, स्किन केयर 2 टाइम ज़रूर से करिए। तो मैं यहाँ पर टोनर अप्लाई कर ली, उसे नेचुरली हमें सूखने देना है अपने फेस पर, वो ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर पिलग्रिम का सीरम अप्लाई करी। आप कोई भी सीरम अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई सनस्क्रीन क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टोनर और सनस्क्रीन क्रीम लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये थोड़ा सा ही बचा है, इसमें ख़त्म हो गया, मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है। ये काफ़ी अच्छा वाला सीरम है, मुझे सूट करता है, ये आल स्किन टाइप है। तो इसको थोड़ा सा ले लेना है हाथ में और उसको अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे फेस पे, नेक पे हल्का सा 2 मिनट मसाज करते हुए लगाना है। ये ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल नॉन स्टिकी है, चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं लगता है और काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें हाइलोरिक एसिड है। तो ये काफ़ी अच्छा हमारी स्किन पर काम करता है, डार्क स्पॉट्स वगैरह को भी रिमूव करता है, टैनिंग वगैरह को भी रिमूव करता है, कोई भी दाग होते हैं ना स्कार्स वगैरह के, वो सारे क्लीन कर देता है। अब मैं यहाँ पर अपना घर पे बना हुआ लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि विंटर में हम लिप बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, बहुत ज़्यादा क्रैक और चैप्ड हो जाते हैं। तो अब 3-4 बार दिन भर पर आप लिप बाम लगाइए। तो मेरे यहाँ पर स्किन केयर हो गया डन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।